हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि मेहता, कुक कैट होम विद निधि मेहता में आप सबका स्वागत है। हम बनाएंगे मसाला पूड़ी जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत अच्छी लगती है और इसको आप सफर में भी ले जा सकते हैं। 2 से 3 दिन तक ये खराब नहीं होती है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगी कि जिससे पूड़ी का आटा जो है वो बहुत ही बढ़िया गूंधेगा और बहुत कम मेहनत में जल्दी गूंध के रेडी हो जाएगा। ये पूड़ी जो है ये ऑयल भी बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। ये देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार लग रही है ये पूड़ी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, टिश्यू से इस तरह से मैं इसको टैप कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी इसने पूड़ी ने ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है, है ना टेम्पटिंग पूड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मजेदार पूड़ी। पर उससे पहले, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मसाला पूड़ी बनाने के लिए मैंने ये लिया है 2 कप आटा, ये गेहूं का आटा है। साथ में लिया है ये 1/2 कप बेसन, इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये लिया है 1/4 कप सूजी। ये सूजी से हमारी पूड़ी में क्रिस्पीनेस आएगी। मसाला पूड़ी बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले। ये मैंने लिया है नमक, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा। ये मैंने 1/2 चम्मच ली है अजवाइन, इसको इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच हींग, ये 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पाउडर है। अगर ये आपके पास नहीं है तो जिंजर गार्लिक की पेस्ट हो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप जो रेड चिली पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स से हमारी पूड़ी की लुक बहुत अच्छी आएगी। इसमें मैं डाल रही हूँ बस 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा पूड़ी का। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बार इस तरह से मिक्स करने से मसाले जो हैं वो हमारे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब मैंने ये लिया है बारीक कटा हुआ धनिया, इसको भी इसमें डाल देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा धनिए से। और ये लिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, दोनों हाथों से इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है ताकि ऑयल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, अच्छी तरह से इसमें ऑयल मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको आटे को गूंदेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट होता है। देखिए, ये आटा मैंने इस तरह से गूंद के इकट्ठा कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इस आटे को बहुत ही कम मेहनत में गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं मसलेंगे। तो पूड़ी, क्योंकि पूड़ी के आटे को बहुत ज़्यादा मसलना पड़ता है, पर जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पूड़ी का आटा जो है वो बहुत जल्दी बनके और बहुत कम मेहनत में बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, आटे को मैंने सिर्फ इकट्ठा किया है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं मसला है। हल्का सा इस तरह से फैला देंगे और ये बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है उसको भी इस पे इस तरह से फैला देते हैं। और अब हम इसको हल्के गीले कपड़े से कम 20 से 25 मिनट इस तरह से ढक के छोड़ देंगे। ये आटा अपने आप अच्छी तरह से रस जाएगा और सेट भी हो जाएगा। 20 मिनट हो गए हैं, चलिए अब आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा कितना बढ़िया सेट हुआ है। अगर ये नीचे चिपक रहा है तो ये एक्चुअली इसमें बेसन डला हुआ है इसलिए ये इस तरह से नीचे चिपक रहा है। पर अभी देखिए, ये आटा थोड़ा सा टाइट है। पूड़ी के आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखिए, नहीं तो आपकी पूड़ी जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमने इसमें सूजी डाली थी इसलिए जब पहले रेस्ट करने के लिए आटे को रखना है उस टाइम आटा ऐसा गूंदना है जैसा कि हम चपाती का आटा गूंदते हैं, क्योंकि सूजी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब मैं इस तरह से हाथों में बहुत थोड़ा सा पानी लूंगी, बस थोड़ा सा हम इसको इस तरह से मसल लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें लगेंगे टोटल में, ये आटा हमारा रेडी हो जाएगा पूड़ी का। ये देखिए, कितना बढ़िया आटा सेट हुआ है।
इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए पूड़ी का आटा। चलिए अब इसकी लोइयां बनाना शुरू करेंगे। हाथ में मैं बहुत हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ जिससे कि आटा हमारे हाथों पे चिपके ना, और इसके हम आटे के अलग अलग पोर्शंस कर देंगे। अभी मैंने इसका एक छोटा पोर्शन लिया है, इस तरह से इसको लंबा लंबा रोल करेंगे। और अब हम इसमें से जितने साइज की आपने पूड़ियां बनानी है लोइयां तोड़ेंगे। ये मैंने सारे आटे में से लोइयां तोड़ ली हैं। अब फिर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इनको इस तरह से रोल करेंगे। इस तरह से करेंगे कि इसमें कोई क्रैक ना आए। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको घुमा लिया है, रोल कर लिया है, और सारे पेड़ों को हम इसी तरह से कर लेंगे। इधर कढ़ाई में मैंने तेल गरम होना रख दिया था। तेल को हमें अच्छी तरह से गरम करना है। मैं एक छोटा सा पोर्शन डाल के देख रही हूँ आटे का कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। कितना बढ़िया तेल गरम हो गया है। अब हम पूड़ी को बेलेंगे और इसमें फ्राई करेंगे। पूड़ी को बेलने के लिए हम यहाँ पे चकले पे लगाएंगे हल्का सा ऑयल। थोड़ा सा ऑयल मैं इस तरह से बेलन पे भी लगा लूंगी ताकि पूड़ी जो है वो चकले और बेलन पे चिपके ना। और अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह से बेलेंगे। ये देखिए इतनी थिकनेस रखनी है पूड़ी की। चलिए अब इसको कढ़ाई में डाल के फ्राई करते हैं। अगर इस तरह से आप इसको हल्का सा दबा देंगे तो पूड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट फूलेगी। और थोड़ा सा ऑयल इस तरह से पूड़ी पे डालेंगे। अब हम इसको पलटेंगे। पूड़ी को हमें तेज आंच पे ही फ्राई करना है। ये देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली पूड़ी बनके रेडी हुई है। ये पूड़ी आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये पूड़ी ठंडी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसको आप सफर में भी लेके जाएंगे तो 2 से 3 दिन तक ये पूड़ी खराब नहीं होगी। हल्की लाल हो गई है दोनों तरफ से, बस अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने से पहले ये देखिए इस तरह से इसको साइड में कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी जो है वो हमारा कढ़ाई में निकल जाए। इसी तरह से हम बाकी पूड़ियां भी बना लेंगे। हमारी गर्मा गर्म फूली फूली मजेदार पूड़ी बन के रेडी है, मसाला पूड़ी। वैसे तो इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, पर आज मैं इसको सर्व कर रही हूँ आलू की सब्जी और अचार के साथ। इस आलू की सब्जी का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ये आलू की सब्जी बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे कि हमें बाजार में मिलती है। जल्द ही एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।